दिल्ली के आजमगढ़ जिले की पुलिस ने घेराबंदी कर बउआ पार में हुए दोहरे हत्याकांड के आरोपी राजन सिंह को मुठभेड़ के बाद तमंचा कारतूस संग गिरफ्तार कर लिया। उसके दाएं पैर में गोली लगी है। राजन की गिरफ्तारी पर एसपी ने 25,000 रुपए का इनाम रखा था। बता दें कि बरदाह थाना क्षेत्र के बउआ पार में 26 जून को गोलियां चलाकर अनूप तिवारी की हत्या कर दी गई थी, जबकि इलाज के दौरान अनूप के चचेरे भाई सुधीर की वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई थी। उसके बाद पुलिस की किरकिरी हुई तो एसपी सुधीर कुमार सिंह ने माथहतों की नकेल कसी थी। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ पूर्व में ही 10 आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। आज ये सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना मेहनगा क्षेत्र में एक अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इस पर थाना मेहनगा पुलिस टीम और थाना वर्धा पुलिस टीम द्वारा खरियानी मोड़ पर चेकिंग की जा रही थी, तो एक मोटरसाइकिल पर एक बदमाश आता हुआ दिखाई दिया। उसे रोकने का प्रयास किया तो उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में बदमाश के गोली लगी और उसे घेर कर पकड़ लिया गया। इसके पास से एक मोटरसाइकिल जो कि चोरी की प्रतीत होती है, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। इस बदमाश की पहचान राजन के रूप में हुई है, जो कि 25,000 रुपये का इनामी बदमाश है और यह अभी 2 दिन पूर्व जो थाना वर्धा क्षेत्र में बउआ पार में जो डबल मर्डर हुआ था उसमें ये इस अभियुक्त द्वारा ये हत्या कारित की गई थी और उसी में वांटेड होने पर मेरे द्वारा इस पर इनाम घोषित किया गया। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।